मानव सेवा जागृति मिशन के द्वारा भवनाथपुर में किया गया बैठक। भवनाथपुर से संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। भवनाथपुर मानव सेवा जागृति मिशन के द्वारा ओम शांति पब्लिक स्कूल ढेकुलिया भवनाथपुर में बैठक किया गया, जिसमें बैठक कर मानव सेवा जागृति मिशन के द्वारा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन किया गया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में भृगुन ठाकुर, उपाध्यक्ष दिनेश राम, सचिव राजमोहन प्रसाद यादव, सह सचिव राकेश कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष अजमुद्दीन शेख, मीडिया प्रभारी जितेंद्र कुमार, योग शिक्षक गुप्तेश्वर प्रसाद गुप्ता, संरक्षक प्रसिद्धित कुमार यादव, अमर पासवान, अखिलेश विश्वकर्मा, मोहम्मद सरवर खान, नौसाद अहमद, कार्यकारिणी सदस्य जयप्रकाश परसवान, विशाल शाह, हीरामन राम, ओम प्रकाश आर्य, दिलीप पासवान पर्यवेक्षक के रूप में, बृजनाथ आर्य, वेद प्रकाश आर्य, कुंदन ठाकुर को सर्वसम्मति से चुना गया तथा योगाभ्यास के लिए सोमवार से प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक योग शिविर का भी आयोजन किया गया। ओम शांति पब्लिक स्कूल भवनाथपुर में किया जाएगा, जो सर्वसहमति से निर्णय लिया गया एवं मानव सेवा जागृति मिशन के संस्थापक सचिव कुंदन कुमार ठाकुर जी के द्वारा बताया गया कि प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत सभी राजस्व ग्रामों में जहां वन विभाग की भूमि में खेल मैदान है, उसे वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत समिति से स्वीकृत कराते हुए खेल मैदान के नाम पर सामुदायिक पटा उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे खेल मैदान को सरकारी योजना के द्वारा खेल मैदान बनवाने में किसी तरह का आपत्ति नहीं होगा और सभी ग्रामीणों को खेलकूद एवं अन्य सार्वजनिक कार्यों में सुविधा उपलब्ध होगा, जिसके संबंध में समाज सेविका महिला पूर्व सहभागी जिला परिषद प्रत्याशी भवनाथपुर के रंजनी कुमार उर्फ शर्मा अंजनी के मांग पर अंचल पदाधिकारी भवनाथपुर के द्वारा वन पट्टा देने हेतु आदेश प्राप्त है। खबरें और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कड़वा दृष्टि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।